अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है, नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ, जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयां हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज एक बहुत ही बड़ी खबर पर नज़र डालते हैं, और हमें यकीन है कि गोदी मीडिया इसको दिखाएगा नहीं, और दिखाएगा तो इस तरह नहीं दिखाएगा या इस तरह नहीं बोलेगा जिस तरह हम बोल रहे हैं, क्योंकि इससे मोदी सरकार की बड़ी बेइज्जती होगी, बड़ी बेशर्मी की बात है और हिंदुओं के नुकसान वाली बात है। तो गोदी मीडिया ने अगर दिखाना भी चाहा तो बचते बचाते सरकार को बचाने की कोशिश करेगा। आइए मैं आपको बता दूं कि प्राइम न्यूज़ में आज बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हिंदुस्तानी शहरियत सिटीजनशिप ना मिलने की वजह से मोदी सरकार जो हिंदुओं की रक्षक बनी फिरती है, तो जनाब 800 हिंदू खानदानों को मोदी जी शहरियत नहीं दे पाए हैं, और अब उन्हें हिंदुस्तान से वापस पाकिस्तान 800 हिंदू खानदानों को वापस जाना पड़ रहा है। इसी को लेकर बकायदा खुद बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी बड़े गुस्से हो गए मोदी सरकार पर, और इन्होंने कहा कि ये केंद्र सरकार के लिए, मोदी सरकार के लिए शर्म की बात है। आइए सुनते हैं पूरी खबर क्या है। जी हाँ, आपको याद होगा कि मोदी सरकार, केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार हर तरह से हिंदुओं को खुश करने की बात करती है, लेकिन अंदर कुछ गेम और करती है। सबसे ज्यादा नुकसान, ये बिल्कुल सत्य है, फैक्ट है, मानो या ना मानो, जितना नुकसान बीजेपी सरकार आने के बाद हिंदुओं को हुआ है, उतना नुकसान हिंदुओं को शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन अनभक्ति और गोबर भक्ति का ऐनक लगा हुआ है, अभी नुकसान समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि हम जैसे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मेरे हिंदू भाइयों, सबसे ज़्यादा नुकसान आपको इसी हुकूमत में पहुंच रहा है जिसको आप अपनी रक्षक हुकूमत समझते हो। जी हाँ, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा कब बढ़ी? इसी हुकूमत में। महंगाई सबसे ज़्यादा कब बढ़ी? इसी हुकूमत में। जी हाँ, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके दिमाग पर गोबर भक्ति का, अनभक्ति का ऐनक आपके दिमाग और आंखें दोनों पर लगा दिया गया है, जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है। और जब श्रीलंका से भी बुरे हाल होंगे तब जाकर हो सकता है कि समझ में आ जाए। खैर, आइए खबर को लंबी चौड़ी ना करते हुए मेन मुद्दे पर आते हैं। अभी बड़ी खबर आ रही है कि 2011 में कांग्रेस हुकूमत ने पाकिस्तान से लंबा वीजा देकर उन हिंदुओं को हिंदुस्तान में आने की इजाजत दे दी थी जिन पर पाकिस्तान में जुल्म व सितम हो रहा था, या पाकिस्तान में वो जुल्म व सितम से परेशान थे। तो ऐसे 800 खानदान थे जो 2011 में कांग्रेस की मेहरबानी, कांग्रेस के रहमो करम पर लंबे वीजे पर हिंदुस्तान आ गए थे और लंबे वीजे पर हिंदुस्तान में रह रहे थे। लेकिन अब बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं की बात करती है, हिंदुओं की सुरक्षा की बात करती है। जी हाँ, और अब आप देखें कि ये बीजेपी सरकार
2011 से लेकर जब कांग्रेस ने आने की इजाजत दे दी थी, तो आपको मालूम है 2014 से ये है, आज 2022 चल रहा है और अब ये खबर सामने आ रही है, क्योंकि आज तक क्या ऐसी खबरें छुपाई जाती है ना आपसे, अब ये खबरें आ रही है कि 800 हिंदू परिवार, हिंदू खानदान जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे और कांग्रेस के राज से रह रहे थे, आखिर बीजेपी सरकार उनको सिटीजनशिप नहीं दे सकी। जबकि आपने सुना होगा मेरे भाइयों बहनों जो बाहर रह रहे हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, तो यहां आ जाएं उनको सिटीजनशिप दे दी जाएंगी, उनको यहां की शहरियत दे दी जाएगी, हिंदुओं की रक्षा की जाएगी। मैंने उस वक्त भी कहा था, अरे तुम यहां जो बसे हुए हिंदू है इनको रोजगार नहीं दे पा रहे हो, इनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हो, ये यहां पर परेशान हाल है, बेरोजगारी से परेशान हो गए हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो तुम क्या बाहर वालों को सिटीजनशिप देकर यहां उनकी मदद करोगे? आखिर तुम्हारी पोल खुल ही जाती है, गोदी मीडिया भले ही तुम्हारी इज्जत बढ़ाने की कोशिश करे लेकिन पोल खुली जाती है। अभी बड़ी खबर आ गई कि 800 हिंदू खानदान हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि उनको तुमने 2014 से, ये लोग लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन तुमने इनको शहरियत नहीं दी, पूरे हिंदुओं को बेवकूफ बनाया कि तुम हिंदुओं के मुहाफिज हो, हिंदुओं की रक्षा करने वाले हो, आखिर तुमने शहरियत नहीं दी, तो अब ये वापस जा रहे हैं। इसी से नाराज होकर हमारे लीडर नहीं, तुम्हारे ही बीजेपी के कदावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने बीजेपी सरकार पर हमला किया और कहा कि यह तुम्हारे लिए शर्म की बात है। जी हां, आपको याद होगा CAA के टाइम में क्या कहा गया था, जब CAA का भूत, जब बोतल से जिन बाहर आ गया था, तो उस वक्त क्या कहा गया था? जी हां, याद करो सारी बातें। लेकिन आज यह खबर सारी पोल खोल रही है कि 800 हिंदू खानदान पाकिस्तान वापस जाने पर मजबूर हो गए। इन लोगों ने कहा कि हमने शहरियत हासिल करने के लिए सरकारी ऑफिसेस के बहुत चक्कर लगाए लेकिन कहीं हमारी कोई बात नहीं बनी। और मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में पाकिस्तानी अकलियती मुहाजरीन के हकूक के लिए आवाज़ उठाने वाली एक संगठन है, तंजीम है, फ्रंटियर लोक संगठन SLS, इन्होंने ये दावा किया है। इस मामले पर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा कि ये मरकजी सरकार, मोदी सरकार, बीजेपी के लिए शर्म की बात है। स्वामी ने पीर के दिन अपने एक ट्वीट में लिखा कि ये बीजेपी की मरकजी हुकूमत के लिए कितनी शर्म की बात है कि हिंदुस्तानी शहरी बनने की उम्मीद में यहाँ आए। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के तकरीबन 800 मुतासरीन CAA पर मोदी हुकूमत की अदम कार्रवाई से धोखा खा गए हैं। स्वामी ने मोदी की पूरी पोल खोल दी, कहा कि ये धोखा खाए, इनको भी तुमने धोखा दिया, तुम अपनों के भी नहीं हो रहे हो, इनको भी तुमने धोखा दिया। उन्होंने कहा कि बहुत अफसोस हुआ कि वो वापस पाकिस्तान चले गए। राजस्थान में फ्रंटियर लोक संगठन ने कहा कि इन लोगों ने शरीयत हासिल करने के लिए बहुत कोशिशें की थी, शरीयत की दरख्वास्त दी थी, इसके बाद जब इस मामले में कोई उनकी मदद नहीं हुई तो वह पाकिस्तान वापस लौटने पर मजबूर हो गए। फ्रंटियर लोक संगठन के मुताबिक ये लोग साल 2021 में वापस आए थे। देखिए, इनको ऐसा सुनहरी सपना दिखाया गया था CAA के नाम पर, यहां पर जो कट्टर हिंदुत्ववादी है उनको खुश किया गया था कि CAA लाकर मुसलमानों को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, मुसलमानों को तकलीफ होती है तो यहाँ का एक संगठन है जो बहुत खुश होता है, बल्कि कई कट्टरवादी संगठन है उनको लगता है कि मोदी बीजेपी मुसलमानों को नुकसान पहुँचा रही है, तो यही बस यही हमारे लोग हैं। लेकिन मुसलमानों को तो नुकसान नहीं पहुँचा, 800 हिंदू खानदान इनके धोखे में आकर पाकिस्तान से आए थे, आखिर उन्हें वापस जाना पड़ा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि ये मोदी और बीजेपी और केंद्र सरकार के लिए इंतहाई शर्म की बात है कि 800 हिंदू खानदान जो यहां पना लेने आए थे, पाकिस्तान के जुल्म और सितम से परेशान होकर यहां पर आए थे, आज उन हिंदू भाइयों को तुमने सिटीजनशिप नहीं दी और उनको वापस जाना पड़ा। अभी देखते जाओ, अभी और आगे आगे देखते जाओ कि महंगाई यहां के रहने वालों को भी कैसे मारेगी,
बेरोजगारी यहाँ के रहने वालों को कैसे मारेगी। जैसे किसान, सैकड़ों किसानों ने, हजारों किसानों ने आत्महत्या की है, किसानों के साथ भी धोखा हुआ, उनको वहाँ से उठाया गया आंदोलन पर से। एक साल के आंदोलन में 700-800 किसान शहीद हुए, नहीं सुना किसानों की, आखिर धोखा देकर उठाया और अब वापस राकेश टिकैत कह रहे हैं कि हम वापस बैठने की तैयारी कर रहे हैं। तो मेरे भाई, ये केंद्र सरकार जिसको आप अपने रक्षक सरकार कह रहे हो, ये किसी के नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि शर्म की बात है कि आज 800 हिंदू खानदानों को वापस यहां से पाकिस्तान जाना पड़ा।